आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम धर्मेंद्र शाह है। आज मैं एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, गोल्डन मनी बैक योजना। दोस्तों ये LIC के प्लानों का मिशन है जिसका मैंने टाइटल दिया है गोल्डन मनी बैक प्लान। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही ऐसा कोई प्लान है। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो मैंने क्रिएट किया है वो कुछ प्लानों का मिशन है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगा इस कॉन्सेप्ट को, ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझ कर आप किसी भी LIC एडवाइज़र भाई के पास जाकर इस प्लान के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। बाकी मेरा ये नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप मुझे व्हाट्सएप से कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे 16 साल से लेके 24 साल तक कंटिन्यूस आपको 1-1 लाख रुपये का अमाउंट मिलेगा। 16 साल से लेके 20 साल तक 1-1 लाख रुपये का वैल्यू, 21 साल से लेके 24 साल तक कंटिन्यूस आपको 1-1 लाख रुपये का वैल्यू, और 25वें वर्ष यहाँ पे 15,35,000 रुपये का एक मेच्योरिटी अमाउंट है जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री है। जो भी अमाउंट जो मैं दिखा रहा हूँ सारे टैक्स फ्री रहेंगे। ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो 5,000 रुपये मासिक बचत में है। समझ आया? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए 16 साल से लेकर 24 साल तक कंटिन्यूस आपको 1-1 लाख रुपये का अमाउंट मिलेगा, और 25वें वर्ष की बात करें तो यहाँ पे 15,35,000 रुपये का आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो 5,000 रुपये मासिक बचत में है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब चलते हैं प्लान डिस्क्रिप्शन में कि मैंने कौन कौन सा प्लान लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर प्लान डिटेल की बात करें तो यहाँ पे मैंने एज लिया है, वो लिया है 35 साल, ठीक है। यहाँ पे टेबल नंबर 914, 16 साल का टर्म है और 2,80,000 रुपये का मैंने सम शोर लिया। पहला प्लान ये हो गया। दूसरा प्लान है टेबल नंबर 936, जिसको हम जीवन लाभ बोलते हैं। 21 साल का मैंने टर्म लिया है, 15 साल का PPT है और 2,30,000 रुपये का मैंने सम शोर लिया है। और तीसरा जो प्लान है वो टेबल नंबर 936, जिसको हम जीवन लाभ बोलते हैं और 25 साल का टर्म है, 16 साल का PPT है और 5.5 लाख रुपये का मैंने यहाँ पे सम शोर लिया है। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूस पैसा कैसे मिल रहा है। यहाँ पे 16 साल से लेके 20 साल तक कंटिन्यूस पैसा मिल रहा है, 21 साल से लेके 24 साल तक कंटिन्यूस पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने टेबल नंबर 914 लिया है, 16 साल का टर्म लिया है, जब ये 16 साल के बाद पॉलिसी मैच्योर होगा तो जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसमें मैंने मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन डाला है। मैच्योरिटी सेटलमेंट आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो भी पॉलिसी मैच्योर होगा उसका जो वैल्यू रहेगा उसको आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं विद इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 5 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन लिया, तब जाके कंटिन्यूस यहाँ पे 1-1 लाख रुपये अमाउंट मिल रहा है 16 साल से लेकर 20 साल तक, ठीक है। ये जो 16 साल की जो मैच्योरिटी है उसका अमाउंट है 16 साल से लेकर जो 20 साल तक कंटिन्यूस आपको मिल रहा है। और दूसरा जो प्लान है टेबल नंबर 936, 21 साल का टर्म है, 15 साल का PPT है, 2,30,000 रुपये का मैंने सम शोर लिया। तो यहाँ पर भी मैंने 5 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन लिया है, तब जाके यहाँ पे 21 साल से लेके 25 साल तक कंटिन्यूस आपको यहाँ पर 1-1 लाख रुपये का अमाउंट है। और दोस्तों जो 25वें वर्ष जो है मैंने टेबल नंबर 936 जो लिया जीवन लाभ, 25 साल का टर्म और 16 साल का PPT लिया है, तो 5.5 लाख रुपये का सम शोर जब लेंगे तो उसका मैच्योरिटी वैल्यू निकलेगा 14,35,000 रुपये, ठीक है। 14,35,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15,35,000 रुपये इसलिए है जो कि यहाँ पे 21 साल से लेकर 25 साल तक कंट्रीज 1-1 लाख रुपये का अमाउंट है, तो यहाँ पे 25वें वर्ष भी 1 लाख रुपये का अमाउंट बनता है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, तब जाके यहाँ 15,35,000 रुपये का अमाउंट निकलता है। तो दोस्तों आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। दोस्तों फिर भी किसी भी तरह का आपके मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। बाकी किसी भी तरह आपके मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।